हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम राइटिंग सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में पूछा जाता है, और जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी हमें ये लिखना आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स में इसका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी रिज्यूम राइटिंग के लिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रिज्यूम राइटिंग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कवरिंग लेटर। ये लेटर जैसा ही होता है। नंबर 2, रिज्यूम राइटिंग या रिज्यूम या सीवी। अब देखते हैं मेन पॉइंट फॉर कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के मुख्य भाग के नंबर 1, सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड में आपको शॉर्ट में अपना एड्रेस लिखना है। नंबर 2, उसके बाद आपने डेट डालनी है जिस दिनांक को आप कवरिंग लेटर लिख रहे हो। नंबर 3, नियोक्ता का पद लिखेंगे। नियोक्ता कौन होता है? जो हमें जॉब ऑफर कर रहा होता है उसका जो मुखिया होता है वही नियोक्ता होता है। जैसे कोई भी कंपनी में जॉब ऑफर कर रही है तो उसका जो मुखिया है, उसका जो मैनेजर है, वही उसका नियोक्ता होगा अपना। नंबर 4, कंपनी या संगठन का पूरा पता लिखना होता है। उसके बाद में नंबर 5, आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाइंग फॉर द जॉब, पोस्ट का नाम लिख देंगे आगे। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आगे पोस्ट का नाम लिख देंगे। नंबर 6, सोल्यूटेशन। सोल्यूटेशन होता है किसी का संबोधन। हम यहाँ पे संबोधन किसका करेंगे? जो हमें नियोक्ता जो है उसका हम संबोधन करेंगे। अगर वो मेल है तो सर लिख देंगे, फीमेल है तो आप मैडम लिखेंगे। नंबर 7, योर मैसेज। आपका मैसेज क्या है? आपका मैसेज है जॉब लेना, तो जॉब लेने के लिए आप बताएंगे कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट जिस भी पेपर में देखा उसके लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर रहा हूँ। और उसके बाद में एक क्लोजिंग लाइन लिखते हैं, उसमें आप बताते हो कि आपकी क्या एबिलिटी है, आप किस प्रकार के आपके गोल हैं, आप कंपनी के लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकते हैं, ये लाइन आपको लिखनी होगी। उसके बाद में आपको लिखना है योर फेथफुली या फिर सिंसियरली। अब इसके बाद देखते हैं हम मेन पॉइंट ऑफ रिज्यूम। अब रिज्यूम को देखते हैं। रिज्यूम के लिए नंबर 1, सबसे पहले अपना नाम लिखें। नंबर 2, उसके बाद जस्ट आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। नंबर 3, यहाँ आपको एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद में आपको लिखना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप लिखेंगे मोबाइल नंबर, और उसके बाद में आप लिख देंगे आपकी ईमेल। उसके बाद में आपने लिखना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपने अभी रिसेंट में जो ली है ना, वो क्वालिफिकेशन लिखेंगे। जैसे आपने अभी एमएससी की हुई है तो सबसे पहले आप एमएससी लिखेंगे, फिर आप बीएससी लिखेंगे, फिर आप सीनियर लिखेंगे, फिर अगर आप सेकेंडरी लेवल पे लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। साथ में इसकी परसेंटेज, ईयर्स, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सब कुछ लिखना होगा। इसके बाद में आपने लिखना है अनुभव। उस जॉब से संबंधित अगर आपके पास कोई भी अनुभव है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको लिखना है स्किल्स और इंटरेस्ट जो कि पोस्ट से रिलेटेड हो। आप में अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आप वर्ड जानते हैं, आप एक्सेल जानते हैं, आप टेली जानते हैं, या आप ऑनलाइन टीचिंग वगैरह कुछ भी जानते हैं, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट लिखना। उसके बाद आपको इंटरेस्ट लिखना है। इंटरेस्ट हो सकता है बुक रीडिंग, हो सकता है प्लेइंग गेम, हो सकता है स्पेशल किसी गेम का नाम आप यहाँ दे सकते हैं। जनरली वो आपके पोस्ट से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि रिज्यूम और जो सीवी है वो एक पेज में लिखा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 पेज में लिखा जा सकता है। चलो हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कवरिंग लेटर। फॉर्मेट ऑफ कवरिंग लेटर में सबसे पहले, जो हम पहले देख के आ चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एप्लीकेंट एड्रेस। एप्लीकेंट एड्रेस में आपका शॉर्ट में एड्रेस होगा, उसके जस्ट नीचे आपको लिखनी है डेट, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर आपको लिखना है एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस। यहाँ कंप्लीट एड्रेस कंपनी का होगा। उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लिख दोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और आगे पोस्ट का नाम। इसके बाद आपको लिखना है सोलिटेशन। सोल्यूटेशन आपके नियोक्ता के पद के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सर या मैडम। इसके बाद में आपको ये लाइन याद रख लेनी है, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, अभी यहाँ पेपर का नाम लिखेंगे, मैंने दैनिक भास्कर लिखा है। डेटेड, अब यहाँ डेट डालेंगे कि किस डेट को आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ, अब फिर पोस्ट का नाम डालना है ब्लैंक में। आई सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। माई रिज्यूम ऑब्लिक सी वी इज एनक्लोज हियर
फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ये लिखने के बाद में आपको जो एंडिंग जो लाइन मैंने बताई थी वो लाइन मैंने बनाई है जो आप कहीं भी यूज कर सकता है। आई एश्योर यू टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट। इसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, उसके जस्ट बाद में आपको लिखना है योर फेथफुली, उसके बाद में आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद में लिखना है एनक्लोज्ड सीवी और रिज्यूम। ये जो फॉर्मेट था वो कवरिंग लेटर का था। अब फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम देखते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में सबसे ऊपर हमने कैपिटल लेटर्स में रिज्यूम लिखना है। रिज्यूम लिखने के बाद इसे सेपरेट कर देंगे एक लाइन से। सेपरेट करने के बाद में आपको अपना नाम लिखना है। सबसे पहले नाम लिखने के बाद में आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको लिखना है फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको एड्रेस लिख देना है अपना। एड्रेस लिखने के बाद में आपको लिखना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। डिटेल्स में आपको मोबाइल नंबर लिखना है और मेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन लिखना है। क्वालिफिकेशन में आप सबसे पहले लिखेंगे, जैसे एमएससी किया हुआ है तो एमएससी लिख देंगे। फ्रॉम कहाँ से किया है, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम आएगा या फिर बोर्ड है तो बोर्ड का नाम आएगा। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया तो आप लिखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, प्लेस में आपका नाम जयपुर आ जाएगा। उसके बाद में इन ईयर्स, इसके बाद में जो ब्लैंक है इन के बाद में आपको लिखना है ईयर्स, कौन से सन में आपने ग्रेजुएशन किया है या एमएससी की। इसके बाद में आपको लिखना है विथ, विथ लगा के ब्लैंक में परसेंट लिख देंगे। परसेंट लगाने के बाद में आपको लिखना है मार्क्स, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो चीज़ लिखनी है। उसके बाद में आपको लिखना है एक्सपीरियंस, यहाँ मैंने लिखा है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांडा। उसके बाद में आपको लिखना है स्किल्स एंड इंटरेस्ट। स्किल्स में आप लिख सकते हैं आई हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टू टीच ऑनलाइन, और भी स्किल्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट में मैंने लिखा है आई लाइक बुक रीडिंग। अब हमने देखना है कि किसी क्वेश्चन को लेके हम किस प्रकार से रिज्यूम लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ ए केमिस्ट दैट वाज एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर। गिव योर कंप्लीट रिज्यूम फॉर द पोस्ट। अब इसको सेपरेट करने के लिए मैंने एक लाइन बना ली है, आपको ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले लिखते हैं हम एड्रेस, आपका एड्रेस लिखेंगे। मैंने यह एड्रेस लिया है 105 वैशाली नगर जयपुर। इसके बाद आपको डालनी है डेट, किस डेट को आप रिज्यूम लिख रहे हैं वो डेट डालनी है। उसके बाद में आपको लिखना है पर्सनल मैनेजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, ये हमने क्वेश्चन से उठाया है, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट क्या था अपना, ये भी हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट। इसके बाद में आपको सॉल्यूटेशन देना है। सॉल्यूटेशन में सर लिखेंगे हम, अगर आपका नियोक्ता फीमेल है तो आप मैडम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप लिखेंगे इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर डेटेड 7 मार्च 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट आई सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। माई रिज्यूम और सीवी इज एनक्लोज्ड हेयर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। इसके बाद में आपको एंडिंग लाइन लिखनी है जो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक छोटी सी लाइन ली है, आप इसे याद रख लें। आई अश्योर यू टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट। इसके बाद आपको लिखना थैंकिंग यू, उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे योर फेथफुली, उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। मैंने लिखा है गोविंद सिंह डोडासरा। अब हम लिखते हैं रिज्यूम, वो था वो कवरिंग लेटर था, अब हम लिख रहे हैं रिज्यूम इसका। रिज्यूम में सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर हमने लिखा रिज्यूम, उसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद आपको लिखना है अपना नाम, नाम मैंने लिख दिया गोविंद सिंह डोडासरा। उसके बाद आपको लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है 20 जुलाई 1994। उसके बाद आपको लिखना है फादर्स नेम, मैंने यहाँ लिखा है रामनाथ। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस दे देना है। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो दोनों एड्रेस आप अपने लिख सकते हैं। यहाँ एड्रेस में मैंने डाला है 105 ब्लॉक सेकंड वैशाली नगर जयपुर राजस्थान। उसके बाद आपको देनी कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आप डाल सकते हैं मोबाइल नंबर। एग्जाम में आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, बस क्रॉस 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 कर देना है। इसके बाद आप लिखेंगे आपका मेल एड्रेस। उसके बाद में आपको डालना है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जो पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है।
जैसे पोस्ट हो लेक्चरर की, और वहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन और जो आपके एक्सपीरियंसेस आपके स्किल्स वगैरह हैं वो बता रहे हो आप टाइपिस्ट की, ऐसा नहीं हो तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने केमिस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वालिफिकेशन बनाई है, एमएससी की है, मैंने एमएससी की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, और कब की है इन 2019 विथ, अभी यहाँ परसेंट डालनी है 93, उसके बाद में आपको डालने हैं नंबर 837 मार्क्स आउट ऑफ 900। इसके बाद में आप लिख सकते हैं जैसे अच्छे मार्क्स हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया है डिक्टेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। इसके बाद आपको लिखना एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस हो पोस्ट के रिगार्डिंग वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 1 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इंजीनियर इन लिक्विड इंजीनियरिंग ब्रांच इन ONGC, ONGC कंपनी में 1 साल का लिक्विड इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस लिखा है। उसके बाद आपको लिखना है स्किल्स एंड इंटरेस्ट। स्किल्स में मैंने लिखा है गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसके बाद मैंने इंटरेस्ट में लिखा है आई लाइक बुक रीडिंग, आई एम गुड प्लेयर ऑफ चेस। आपका रिज्यूम कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने का। थैंक यू वेरी मच।